नमस्कार, आप देख रहे हैं INI न्यूज। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश में किसानों ने आलू फसल के गिरते भाव से परेशान होकर सड़क पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश भोपाल उज्जैन लोकल ट्रेन में विस्फोट, लगभग 7 लोगों के घायल होने की खबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भाजपा नेता के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज, सरकारी अधिकारी को धमकाने का आरोप, पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध। उत्तर प्रदेश में चोर गिरोह का पर्दाफाश, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को काटकर करते थे मार्केट में सप्लाई। बिहार में वाहन चालक को गोली मारकर की 25 लाख की लूट, आरोपियों को पकड़ने में पुलिस रही सफल। और उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला के साथ उसी के घर में किया गया बलात्कार और फिर हत्या। मध्य प्रदेश के कन्नौज में इंदौर बैतूल हाईवे पर चापड़ा में आलू फसल के गिरते भाव से परेशान होकर अब किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। मंगलवार के दिन भारतीय किसान संघ बागली और हाटपिल्या संगठन के बैनर तले संयुक्त रूप से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन सड़क पर आलू फेंक कर प्रकट किया। आलू फसल के गिरते भाव से परेशान किसान बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और ट्रॉली में आलू भरकर चापड़ा पहुंचे, जिसके बाद रैली के रूप में नारे लगाते हुए इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59A पर लगभग 1 किलोमीटर तक किसानों ने सड़क पर आलू फैलाते हुए चौराहे पर पहुंचे और पूरे चापड़ा चौराहे को आलू में तब्दील कर दिया। चापड़ा चौराहे पर सिर्फ आलू ही आलू नजर आने लगा था। प्रदर्शन के बाद किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में आलू फसल में बचत तो दूर की बात है, लागत ही नहीं निकल रही है। ऐसे में खेती लाभ का धंधा कैसे बनेगी? खेती में होने वाले घाटे के चलते किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। केंद्र सरकार भी किसानों की सूध नहीं ले रही है। वर्तमान में आलू का 15 से 20 रुपए किलो का भाव किसानों को मिलना चाहिए, तभी किसान को लाभ मिल पाएगा। INI न्यूज के साथ कन्नौज देवास से राजेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबरी रेलवे स्टेशन काला पीपल थाना अंतर्गत लोकल ट्रेन जो भोपाल से उज्जैन के बीच चलती है, भोपाल उज्जैन दमो में किसी अज्ञात व्यक्ति के सूटकेस में प्रातः 9:30 बजे विस्फोटक सामग्री के विस्फोट हो जाने से लगभग 7 यात्री घायल हो गए। जिस व्यक्ति के सूटकेस में विस्फोटक सामग्री थी वह भी इस घटना का शिकार हो गया। घायलों का इलाज काला पीपल जिला चिकित्सालय में जारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भाजपा नेता से ठेकेदार और कथित रूप से पत्रकार बने रणजीत सिंह के विरुद्ध थाना सारंगढ़ में लिखित शिकायत की गई है। वहीं पूरे घटना की बात की जाए तो आज सुबह सारंगढ़ राजापारा में नवनिर्मित सीसी रोड का निरीक्षण करने गए शासकीय उपयंत्री इंदिवर दुबे और CMO अरुण साहू को धमकी देकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। इस दौरान आरोपी भाजपा नेता और ठेकेदार रणजीत सिंह ने कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की की। पीड़ित कर्मचारी की लिखित शिकायत पर सारंगढ़ पुलिस ने आरोपी रणजीत सिंह के विरुद्ध धारा 186, 294, 353, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में जुट गई है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रार्थी इंदिवर दुबे ने मीडिया को बताया कि उनके द्वारा ठेकेदार रणजीत सिंह के गुणवत्ताहीन कार्य को रोके जाने के कारण आज मेरे ऊपर हाथापाई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी मैंने और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने मिलकर लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और संभवतः कार्रवाई जल्द होने की बात कही है। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी इब्राहिम कुरेशी ने जल्द ही आरोपी रणजीत सिंह की गिरफ्तारी किए जाने की बात कही। अपने यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं रणजीत ठाकुर जी, उनका काम चल रहा था अपने ऑफिस के सामने, जो कि काम ठीक नहीं था तो मेरे द्वारा बंद करवा दिया गया था। तो उनके घर के सामने किसी दूसरे ठेकेदार का काम चल रहा था, जहाँ पर मैं गया हुआ था साइड विजिट पर, तो वो घर पर क्योंकि उनके घर के सामने ही था तो आके उस काम में बहुत ज़्यादा अड़चन डालने लगे, ये वो ऐसा वैसा करने लगे। मेरे द्वारा जवाब दिया गया कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, तो उनके द्वारा फिर बहस करते हुए गाली गलौज करते हुए मुझे धमकी दी गई, यहाँ तक मारपीट तो उतारू हो गए थे। तो वहाँ के वार्ड मेंबर जो भी थे, वहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे छुड़ाया, उनको हटाया वहाँ से, तो कंट्रोल पे आए और फिर आके यहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखाया। मुख्यमंत्री के द्वारा इस घटना के संबंध में अवगत कराया गया, फिर उनको साथ में लेके FIR दर्ज कराने पहुँच गए, यहाँ पर तुरंत FIR दर्ज करा लिया गया और उनके जो भी उनके ऊपर धारा लगी है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आरती ने एक लिखित आवेदन दे करके जब रिपोर्ट दर्ज कराया है कि आज वह नगर पालिका सारंगढ़ के अंतर्गत चल रहे CC निर्माण कार्य के तहत निरीक्षण करने के लिए गया हुआ था, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रंजीत ठाकुर
जो गुणवत्ता विहीन कार्य कर रहा था, उनका ऐसा कहना है जिसे पूर्व में भी उन्होंने समझाइश दिया था कि काम ठीक ढंग से करें, किंतु नहीं माना। उसी बात को आज रिपीट किया गया तो उनके साथ अभद्रता से पेश आए, गाली गलौज किया, मारने की धमकी दिया और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया है। उनके लिखित आवेदन पर से प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। INI न्यूज के लिए सारंगढ़ से नरेश चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बहादुरपुर रोड पर निगम आयुक्त की गलत कार्रवाई को लेकर शहर के दो पत्रकारों द्वारा आयुक्त को समझाना महंगा पड़ गया। आयुक्त ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का शहर के दो पत्रकारों पर केस दर्ज करवाया। उक्त मामले के विरोध स्वरूप शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री मुकेश पूर्वे के नेतृत्व में 50 से अधिक पत्रकारों ने आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए जाँच कराने की मांग की। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में अन्य जनपदों से आए कार को चोरी कर उसके पार्ट्स काट कर बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। औरैया जिले से आई पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर चोरी की दो कारों को बरामद किया है, साथ ही अन्य दो कार के पार्ट्स बरामद किए हैं। यह गिरोह कार को चोरी कर बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद थाना रामगढ़ के नगलाबरी पर चोरी की हुई कारों के पार्ट्स काटते समय औरैया और फिरोजाबाद की पुलिस ने छापा मारकर चोरों को पकड़ा, जिसमें दो कारें सही सलामत और बाकी चार कारें कटी हुई पाई गईं। वहीं पुलिस ने कारों के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अपनी अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद औरैया थाना जीत में ही पुलिस आई थी, उनके यहाँ की कुछ चोरी थी तो उनको सूचना थी। इस बात पर यहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में छापा मारा गया तो वहाँ से दो चोरी की गाड़ियाँ जो उनके थाने से चोरी हुई वो बरामद हुई हैं। कुछ और गाड़ियाँ भी, उनके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। एक व्यक्ति को वहाँ से अरेस्ट किया गया। INI न्यूज के साथ फिरोजाबाद से महेश तेनवा की रिपोर्ट। बिहार में दिन प्रतिदिन अपराध और लूट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आज बिहार के बोधगया मोहनपुर रोड पर अपराधियों ने दिन दहाड़े रोड कैश वैन से 25 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट के समय विरोध करने पर लुटेरों ने कैश वाहन चालक को गोली मारी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी चिकित्सा अस्पताल में की जा रही है। वहीं गया पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 5 अपराधियों को 2 हथियार लूट की राशि समेत गिरफ्तार किया, साथ में एक इंडिगो वाहन भी जब्त किया जिसमें वे लोग सवार होकर भाग रहे थे। क्या जानकारी बताइए, क्या घटना घटी है? घटना के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ पर पता चला कि बैंक में कैश ले जा रहा था, ड्राइवर को गोली लगा है, इलाज के लिए आया है, जिसका इलाज चल रहा है। स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। जानकारी है कि पापा के ही नंबर से मेरे मम्मी के फोन आया कि आपके आदमी यहाँ भर्ती हैं। उसके बाद हम लोग को पता चला कि मेडिकल है तो हम जा रहे थे, कैश लेके पापा जा रहे थे इटमा पंजाब नेशनल बैंक। रास्ते में इटमा से कुछ पहले 7-8 आदमी इंडिगो से थे, नया गाड़ी था जिसका नंबर नहीं है, और उन लोग छेक के गोली चला दिया, बोला पैसा दो नहीं तो गोली मार लेंगे। अभी तो पापा बता रहे हैं 7-8 आदमी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई के दौरान निगम में पदस्थ 30 से अधिक सफाई कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई, जिसमें निगम अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किए जाने की बात कही। निगम कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित कर अपनी मांगों को मनवाने की बात कही। राजेश महरोलिया ने बताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन और आंदोलन करेंगे। विगत दिनों जो माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष महोदय द्वारा एक पत्र लिख कर मतलब जो है ये कहा गया था, आदेशित किया गया कि दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों को तत्काल मतलब जो है स्थायीकरण किया जाएगा, जिसमें आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर द्वारा बैठक में लिखित रूप से निर्णय लेकर स्थायीकरण की मतलब जो है हमें आश्वासन दिया और किए हुए आंदोलन को स्थगित किया था, परंतु आज दिनांक तक के अपने वादे से मुकर कर उनके द्वारा मतलब जो है इस तरह का व्यवहार जो किया जा रहा है वो गलत है। अगला स्टेप हमारा ये है कि हम मतलब जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
कार्मिक भूख हड़ताल के बतौर नगर निगम के समक्ष मतलब जो है कार्मिक भूख हड़ताल करेंगे। होली को लेकर एक तरफ शराब माफिया अपनी काली कमाई के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, वहीं समस्तीपुर पुलिस भी इस आशंका को लेकर पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। बिहार के समस्तीपुर शहर में अभियान चलाया गया जिसमें गैस रिफिलिंग की दुकान में छिपाकर रखे गए विदेशी शराब की बोतलों को जब्त किया गया। एसपी का बताना है कि ताड़ी की दुकानों पर भी निगाह रखी जा रही है कि कहीं ताड़ी की आड़ में अवैध रूप से निर्मित महुआ और देशी शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही है। निषेध लागू होने के बाद से ही जिला में लगातार अभियान चलाया जा रहा है जो पूरी तरह से सफल हो। होली के अवसर पर विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय से भी इंस्ट्रक्शन आया हुआ है और हम लोगों के स्तर से भी, मेरे स्तर से भी बहुत पहले ही सभी थानेदारों को आगाह कर दिया गया है, डीएसपी इंस्पेक्टर को आगाह कर दिया गया है कि कंटिन्यू अभियान चलाएंगे और सूचना मिलते उसका निश्चित रूप से वेरिफिकेशन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। होटल ढाबा जहाँ इस तरह से बिक्री की बात आते रहती है उसका भी वो औचक निरीक्षण करेंगे, जाँच करेंगे और यदि मिलता है तो कार्रवाई करेंगे बिना किसी भय के और बिना किसी दबाव के। ये हर हाल में हम लोग का ये प्रयास है कि होली में इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करें। उत्तर प्रदेश की आगरा के थाना बरहन इलाके में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक महिला को उसी के घर में बलात्कार कर मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों के मुताबिक उसका बलात्कार और फिर हत्या गांव के ही धर्मवीर और उसके एक साथी ने की है। दरअसल गांव सैफुद्दीन उर्फ नगला चंद्रभान में देर रात को महिला अपने घर में सो रही थी। ठीक उसी समय गांव का ही धर्मवीर अपने एक साथी के साथ महिला के घर घुसकर उसके मुंह पर तकिया रख पहले बलात्कार किया, उसके बाद उसी तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब यह पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तब पुलिस धर्मवीर की तलाश में जुट गई है जो घर से फरार है। फिलहाल पुलिस बलात्कार की घटना को नकार रही है। वहीं पोस्टमार्टम में अगर बलात्कार की पुष्टि होती है तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस हैवान धर्मवीर को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? अच्छा कितने लोग थे? दो। अच्छा गांव का है? गांव ही का एक। कैसे मार रहा आपकी पत्नी? कैसे मार दिया? और एक छोरों का डांट लगा दी है। कौन है गांव का? कौन है? धर्मवीर। ये हमें रात में तकरीबन 3 बजे के करीब 100 नंबर पर सूचना मिली थी कि एक महिला जिनको तकरीबन 35 वर्ष है उनका मर्डर हो गया है। रेप की पुष्टि अभी नहीं हुई है, बॉडी को भेज दिया गया है पीएम के लिए और मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल जांच के बाद यदि रेप की पुष्टि होती है तो सुसंगत धाराएं बढ़ा के उसमें विवेचना की जाएंगी। हमारे लोग लगे हुए हैं इसमें, जो भी इन्वॉल्व है उसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार मंडल ने अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं के प्रति गंभीर और ईमानदारी पूर्वक कार्य निर्वहन करने की नसीहत दे डाली। खासकर मुखिया लोगों को चेताते हुए कहा कि अपने अपने पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास और आंगनबाड़ी निर्माण कार्य 2 दिनों के अंदर शुरू करवाएं, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिनों में शुरुआत नहीं हुई तो योजनाओं को दूसरे पंचायतों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। समीक्षात्मक बैठक की गई जिसमें जर्मुने पंचायत में विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी भूअर्जन को लेकर के, उनकी समीक्षा और गहन जांच भी की गई है और इसके लिए उपायुक्त महोदय को एक अनुरोध पत्र भी मेरे तरफ से जाएगा कि कमेटी गठित करके जो भूअर्जन कार्यालय से काफी अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है उन शिकायतों के निष्पादन के लिए कमेटी गठित कर जांच कराई जाए। इसके अलावा सारे पंचायत के मुखिया को और पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और आंगनवाड़ी केंद्र का कार्य प्रारंभ कर दें और 30 मार्च तक ढलाई का कार्य पूर्ण करें। अगर 2 दिनों के अंदर संबंधित मुखिया के द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं कराया जाता है तो 11 तारीख को दूसरे पंचायतों में योजनाओं का स्थानांतरण करने की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेसियों ने युवा कांग्रेस के बैनर तले राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर मशाल रैली निकाली। इस दौरान जिले भर से जांजगीर पहुंचे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की।
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जब से शराब बिक्री के ठेका पद्धति को बंद कर शासकीय दुकानों में शराब बिक्री की नई नीति अपनाने का निर्णय लिया है, तब से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि शराब का मुद्दा कांग्रेसियों को विधानसभा चुनाव में कितना लाभ पहुंचाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल तीन चुनावों से विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए विरोध का मुद्दा मिल चुका है। मसाल जुलूस के माध्यम से हम शराबबंदी करना चाहते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बोला गया था कि हर जिला मुख्यालय में NSY और युवक कांग्रेस दोनों एक साथ मिलके यहां पर हम लोग जुलूस निकाले। हम लोग की मांग यही है कि पूर्ण रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। जो हम लोग काम कर रहे हैं रमन सिंह जी दारू बेचने का, उसको हम लोग रोक कराने के लिए सब यहाँ जुड़े। हम ये मांग करते हैं इस रैली के माध्यम से कि पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। जो महिलाएं आज प्रभावित हो रही हैं और हम महिलाओं की भी मांग है। छत्तीसगढ़ में पत्थलगांव नगर के भीतर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड और इंदिरा चौक से जसपुर रोड में 210 लोगों को नोटिस दिया गया है, मगर बेजा कब्जा का नोटिस मिलने के बाद भी कब्जाधारी चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि प्रशासन इन्हें हटाने के लिए नोटिस देकर 7 दिन का वक्त दे चुकी है, इसके बावजूद इनके कानों में अभी तक जू नहीं रेंगा है। प्रशासन दोबारा नोटिस देकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने जा रही है। मुख्य सड़क से दोनों तरफ 30 फीट की दूरी तय की गई है। कब्जा नहीं हटाने वालों के विरुद्ध अब सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। थलगांव में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हम लोग जो है अभी नोटिस दिए हैं पत्थलगांव के लोगों को। करीब अब हम लोग 210 लोगों को नोटिस दिए हैं इंदिरा चौक से अंबिकापुर रोड पे और इंदिरा चौक से पत्थलगांव तहसील रोड पे जसपुर रोड पे। इन लोगों को हम नोटिस दिए हैं कि आप 7 दिन के अंदर तत्काल खाली करें, अन्यथा एक तरफा कार्रवाई कर दी जाएगी। तो लोग नहीं माने हैं, अब हम दूसरा नोटिस शुरू कर दिए हैं, इनको भी 7 दिन का टाइम दिए हैं और 7 दिन बाद अगर नहीं खाली करते हैं अपना चौड़ीकरण रोड के सहयोग नहीं करे तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी जाएगी और जो है ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कर। एक बार फिर से देश का किसान सड़कों पर है। वहीं आज किसान संघर्ष कमेटी की ओर से अमृतसर तरनतारन मुख्य मार्ग पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की ओर से जो वायदे उनसे किए गए थे वह पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जब चुनावी वायदे करने के लिए नरेंद्र मोदी पंजाब में आए थे तब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की ओर से खेती मंडियों को निजी हाथों में देने की बात कही जा रही है, जिससे किसान बहुत दुखी है। इससे किसान दिन ब दिन कर्जों में फंसता जाएगा। किसान संघर्ष कमेटी के स्वर्ण सिंह पंढेर ने कहा कि आज हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया है और कुछ दिन बाद तरन तारण में एक विशाल दिल्ली के बाद हम अपना संघर्ष तेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी पंजाब में आए थे तब उन्होंने पंजाब के लोगों से और किसानों से कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट जब उनकी सरकार बनाएगी तब पास करती जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ। हालांकि खेती मंडी को निजी हाथों में देने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे किसान दिन ब दिन गरीब हो जाएगा। यही नहीं, मुंबई ओके बिजली के बिल गाने की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि पंजाब के किसानों को जिस हालत में जी रहे हैं उसी तरह से जीने दें। आज असी चब्बे दे विच विशाल कट करके इत्थे अमृतसर ते फिरोजपुर का वड्डा जीजी रोड जाम करके मोदी सरकार ते पंजाब सरकार की अर्थी फूकी आ, सरकार नूं संदेश देने वास्ते कि वह किसानां मजदूरां ते जिहड़े बहुत सारे उन्होंने जड़े उन्होंने आने वाले समय में उन्होंने खेती के घाटे मंदे जिहड़ियां नीतियां वह लागू कर रही उन्हें वापस लवे। अज मोदी सरकार के खिलाफ जिहड़ा वा खेती मंडी साड़ी तोड़ के ते निजी हत्थां देण दी तैयारी आ, उहदे खिलाफ़ असी जिहड़ा वा अमृतसर हरीके जिहड़ा मुख मार गया चब्बे जाम करके ते असी उहदा पुतला फूकिया वा। असी सरकार नूं संदेश देना चाहुंदे वी जे जिहड़ियां वा कारपोरेट पक्षी नीतियां जिहड़ियां वा ते किसान मजदूर विरोधी नीतियां इह बंद ना कीतियां, साड़ी खेती तोड़न दा जिहड़ा उपराला इवें रख्या ते आउण वाले समें दे विच मोदी सरकार दे नाल असी जिहड़ा संघर्ष आ तिखा जिहड़ा संघर्ष करांगे जिहदी जिम्मेवार मोदी सरकार होएगी। आईएनआई न्यूज़ के साथ तरनतारन से हरदेव की रिपोर्ट। आईएनआई न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।